जी हाँ नमस्कार दोस्तों, जो 1 लाख के करीब वैकेंसीज़ का अनाउंसमेंट हुआ था इस साल में, यहाँ पे वो वैकेंसीज़ कंप्लीट यहाँ पे आ चुकी है। 98,083 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है, जहाँ पे अलग अलग स्टेट में कितनी वैकेंसीज़ है, उनके रीज़न के हिसाब से कितनी वैकेंसीज़ है और कैसे आपके फॉर्म रिलीज होंगे, किस स्टेट में सबसे पहले आवेदन शुरू होंगे, किस में सबसे लास्ट में होंगे, कैसे कहाँ जाके आपको अप्लाई करना है, सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे इस एक ही कंप्लीट वीडियो में। तो शुरू से लेकर एंड तक देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 लाख वैकेंसीज़ वाला ये वीडियो है, जहाँ पे खाली और खाली डाक सेवक, पोस्ट मास्टर और डाक सहायक के पदों पे ये वैकेंसी निकली हुई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों अभी बात करते हैं यहाँ पे भारतीय डाक विभाग भर्ती 2022 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। ये जो वैकेंसी है स्टेट वाइज वैकेंसी है, ध्यान रखना। यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, मल्टीटास्किंग और पोस्ट मास्टर की जो वैकेंसी निकली हुई है वह लगभग 1 लाख के आसपास पदों पर यह वैकेंसी निकलने वाली है। आप सभी को बता दूं बंपर वैकेंसी यहाँ पे निकलने वाली है, जिसका अनाउंसमेंट यहाँ पे हो चुका है। स्टेट वाइज लिस्ट अपने पास आ गई है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में कितनी वैकेंसीज निकलेगी, जिसमें रीजनल जो वैकेंसी रहेगी, जैसे कि रीजन जो है एक तरीके से, उस हिसाब से यहाँ पे ये वैकेंसीज दिखाई गई है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, असम की देख सकते हो, इसके अलावा सभी स्टेट्स की ये लिस्ट आ गई है। बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, एमपी, इसके अलावा ये देख सकते हो पूरी स्टेट वाइज ये लिस्ट है और साथ में रीजन वाइज लिस्ट भी इसमें आ चुकी है कि रीजन में कितनी वैकेंसीज आपकी रहेगी। उससे मतलब यानी कि यूपी में अगर आपकी वैकेंसीज 7,520 है, तो इसके लखनऊ रीजन में 2100 के आसपास वैकेंसीज रहेगी, तो रीजन वाइज ये वैकेंसीज निकालेगा, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा नीचे मैं बता देता हूँ आपको इसकी डिटेल्स फर्दर जो भी रहेगी। 98,000 के आसपास करीब ये वैकेंसीज़ है, 1 लाख के करीब बताई गई थी, तो यहाँ पे फिलहाल 98,000 वैकेंसीज़ है। इसके अलावा 10th 12th मांगा गया, सिंपल सा एग्ज़ाम नहीं होगा इस बम्पर वैकेंसी का, जहाँ पे 70,000 के करीब यहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक है अगर मैं ओवरऑल बताऊँ तो, और डाक सहायक जो असिस्टेंट है वो 20,000 के आसपास रहेंगे और यहाँ पे 2,000 के करीब यहाँ पे पोस्ट मास्टर रहेंगे, तो ये वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी जाएगी, पोस्ट मास्टर के लिए स्नातक एक ग्रेजुएशन है, एमटीएस के लिए 10th क्लास पास है, पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए 12th क्लास पास है, वहीं 12th क्लास पास पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए है। तो ये वैकेंसी दोस्तों ध्यान रखना स्टेट वाइज आएगी और यहाँ पे अलग अलग पोस्टिंग हो सकता है, किसी स्टेज में, किसी स्टेट में, किसी रीजन में पोस्ट मास्टर की वैकेंसी हो या ना हो, तो वो भी वेरी करेगा, किसी में ज़्यादा किसी में कम, तो वो अलग अलग डिटेल नोटिफिकेशन आएगा अलग अलग स्टेट का, ध्यान रखना ये ओवरऑल मैं बता रहा हूं आपको। इसके अलावा पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट की सैलरी जो मैंने पहले बताई थी वही सेम रहने वाली है, हो सकता है अलग अलग स्टेट में वेरी कर जाए थोड़ी बहुत। इसके अलावा टीएडी अलाउंसेस, क्योंकि होता क्या है स्टेट वाइज के साथ साथ यहां पे जिस मतलब जोन में या रीजन में आपकी वैकेंसी लगती है उस रीजन के हिसाब से भी यहां पे कैलकुलेट की जाती है सैलरी को। और इसके अलावा 300-250 रुपए के चार्जेस के साथ अप्लाई कर सकते हो आप। apost.in पे आपको सभी स्टेट के वैकेंसी के डिटेल मिल जाएंगे। इसके अलावा 30 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रखी हुई है, ध्यान रखना 30 अक्टूबर 2022 से पहले पहले आपको आवेदन करना है। नीचे लिंक दे रखा है, वहां पे भी जाके पूरी डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।